हेलो जी नमस्कार सलाम सत श विश यू ऑल अ वेरी वॉम वेलकम टू तो दिस वंडरफुल सेशन मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी एन सी आर टी एक्सप्लेन का ये सीरीज लेकर के एक बार स्क्रीन पर नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से फ्यूचर डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं वी हैव मोहम्मद आवेश फरहत फिरदौस हिमांशु पाटिल कार्तिक खुशी गौतम शोएब, जिया अरव खोराना, प्रियांशु अपूर्वा चौबे अर्पन वांडफुल जी ग्रेट ग्रेट अभय त्रिपाठी कैसे हैं जी आप रजनीश सब मज़े में हैं मेरी तरफ से आप सबको ढेरों शुभकामनाएं हैं एक उज्जवल भविष्य के लिए याद रखिएगा हमेशा कि थोड़ी थोड़ी मेहनत भी जो आप रोज़ाना कर रहे हैं वो डेफ़िनेटली एक दिन बड़ा रंग लेकर के आएगी जीवन में कुछ पाने के लिए इंसान को बहुत कुछ खोना पड़ता है जिसमें से नींद चैन दोस्ती यारी आराम इमोशंस बहुत सारी बातें हैं जिन्हें दरकिनार करके ही इंसान आगे बढ़ सकता है कहते हैं यदि आप कुछ बनना चाहते हैं जीवन में आप चाहते हैं कि आपका नाम हो आपका एक रुतबा हो समाज में तो कहीं ना कहीं थोड़े सेल्फिश भी होना पड़ता है इंसान को सेल्फिश इन द सेंस कि आपको स्वयं के बारे में सोचना पड़ता है कई बार ऐसा होता होगा आपके दोस्त यार आपको निमंत्रण देते हैं कि भाई हमारा बर्थडे पार्टी है या किसी भी तरह का हम घर में छोटा फंक्शन कर रहे हैं और आपको सादर निमंत्रित करते हैं परंतु आप मना कर देते हैं क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है आपने टाइम टेबल में प्रॉपर प्लानिंग करी हुई है कि आपको उस समय ये लेक्चर अटेंड करना है आपको उस समय ये चीज़ें रिवाइज करनी है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स का थ्योरी पढ़ना है लॉट मैनी थिंग्स तो सेल्फिश से मेरा तात्पर्य ये था कि आपको स्वयं के बारे में सोचना पड़ेगा तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं सही कहा मैंने हैदर खान हिमांशु पाटिल सुभाष जी चलिए जो लोग अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ सबको वंस अगेन प्यार भरा नमस्कार ढेरों गुड विशेष मेरी तरफ से जीवन में खुशियां बांटिए स्प्रेड लव पीस एंड पॉजिटिविटी यूनिवर्स का सिंपल सिद्धांत है जिस तरह की एनर्जी आप अपने चारों तरफ बिखेरेंगे वही लौट करके आपके पास वापस आएगी सो क्यों ना हम स्माइलिंग फेस रखें खुश रखें है ना चले जी एक्सप्लेन फॉर नीट 2022 नॉट ओनली 2022 इवन जो 2023 के एक्सपीरियंस है जो इस समय ग्यारहवीं में है बच्चे उनके लिए भी ये सेशंस इंपॉर्टेंट हैं यहां पे मैंने एक्सक्लूसिवली फोकस करा है एनसीआरटी के ऊपर बिकॉज बहुत से बच्चों को मुझसे ये गिला रहता था कि सर आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं हमसे उतना रिटेन नहीं होता है सो so, मैंने इसलिए एनसीईआरटी को ही फोकस रखा है मैक्सिमम स्लाइड जिसमें से एनसीईआरटी को एज इट इज लेकर के बनाई गई हैं जो बच्चे ज्यादा डिटेल में ये लेक्चर देखना चाहते हैं यूट्यूब पे वो भी अवेलेबल हैं आप यूट्यूब पे सिंपली मेरा नाम टाइप कीजिएगा डॉक्टर सचिन कपूर लिविंग वर्ल्ड आपको लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड मेरे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे डिटेल वाले भी मिल जाएंगे एनसीआर के फोकस वाले भी मिल जाएंगे ठीक है जी ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां हर लेक्चर की शुरुआत हम एक प्यारी सी कोटेशन के साथ करते हैं तो आज का प्यारा सा कोटेशन क्या है हमारे लिए खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है जमीन नहीं है मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है सो एक बहुत लंबी उड़ान आपने भरनी है ये पूरा आसमान आपका है बस आपके अंदर वो जज्बा वो हिम्मत होनी चाहिए कि हमें जीवन में कुछ बनना है लगभग एक घंटा जो मेरे साथ आप इस प्लेटफॉर्म पे बिताने वाले हैं अपने आप को एक पूरे जोश के साथ एक उम्मीद के साथ भर लीजिए एक झील के साथ कि आज हम कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे यहां से इस so, प्यारे से कोटेशन के साथ इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं आपके प्यारे प्यारे लाइक्स जरूर आते रहने चाहिए और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए अपूर्वा सही लगा कोटेशन गरिमा बेटा मजा आया जी राइट विशाल थैंक यू सो मच एक बात मैं और बता देना चाहूंगा बहुत से बच्चे आ, मुझे डेली मैसेजेस कर रहे हैं व्हाट्सएप पे वो ये पूछ रहे हैं कि नीट फेज टू का जो रजिस्ट्रेशन है वो किन्हीं करना है वो उन्हीं को करना है जिन्होंने इस साल का नीट फेज वन दिया है ये कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं आ गया ये 2022 के लिए नहीं है जिन बच्चों ने नीट फेज वन रजिस्ट्रेशन करके नीट का एग्जाम दिया है ये उन्हीं के लिए है रजिस्ट्रेशन बहुत से बच्चे पूछ रहे हमने नीट एग्जाम नहीं दिया तो क्या हम भी फेज टू का फॉर्म भर दें अरे नहीं थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करो मैंने कल कहा भी था अपने सेशन में ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने नीट फेज वन का एग्जाम दिया है फेज टू की केवल एक के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है समझ आया जे सबको रामगोपाल पांडे चलिए ग्यार्मी क्लास का यूनिट वन हम पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यूनिट वन में कुल चार चैप्टर्स हैं हर चैप्टर भी आपकी उंगलियों पे होना चाहिए पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तीसरा है प्लांट किंगडम और चौथा है एनिमल किंगडम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड में अभी तक मैं आपके साथ एल वन एल टू थ्री मतलब तीन लेक्चर्स ले चुका हूं प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है इसी चैनल में कर लीजिएगा का आपको ये तीनों मिल जाएंगे फास्टर स्पीड पे आप देख सकते हैं 2x पे देख सकते हैं 2.5x पे देख सकते हैं ताकि जल्दी जल्दी आपको रिवाइज हो जाए अभी हम फोर्थ लेक्चर इस चैप्टर का करने जा रहे हैं टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड लेक्चर नंबर फोर पलक चौहान क्लियर है विद्या आरती बेटा राइट चलो जी विशाल यादव आगे बढ़ते हैं पिछले सेशंस में हम पढ़ चुके हैं कि लाइफ को डिफाइन नहीं किया जा सकता लाइफ एक इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का जिसे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म शो करते हैं ग्रोथ शो करते हैं रिप्रोडक्शन शो करते हैं रिपेयर रीजनरेशन एजिंग डेथ अडेप्टेशन सारी बातें आपको ऑलरेडी बता चुका हूं उसके बाद हमने जिक्र किया था आइडेंटिफिकेशन क्या है ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है लीनियस ने का दिया था क्या क्या रूल्स हैं रूलोमियल नॉमिनचर के ये भी हमने पढ़े थे आज हम जिक्र करेंगे क्लासिफिकेशन की ये प्रक्रिया क्या है टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या क्यों होते क्या होते हैं लिविंग टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या हैं डेड टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या हैं ए आई डी एस मतलब मदद मददगार साबित होना क्लासिफिकेशन से आपका क्या मतलब है ये पूरी स्लाइड्स एनसीआरटी में से एज इट इज बनाई गई हैं ये सारी लैंग्वेज एनसीआरटी की है क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय क्लासिफिकेशन वो प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी भी चीज को आप ग्रुप कर देते हैं कन्वीनियंट कैटेगरीज में कैटेगरीज में बांट देते हैं किस आधार पे बेसिस ऑफ इजिली ऑब्जर्वेबल जैसे पूछ रहा हूं बॉडी हेयर प्रेजेंट है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं है? किन एनिमल का जिक्र कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स क्या है जिसमें मेमरी ग्लैंड बॉडी हेयर स्वेट ग्लैंड ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है आदर्श हिमांशु पाटिल प्रियांशु जुनैद, अंशुमन आदर्श शोएब बताओ वेरी गुड अंजलि ने सही कहा कि सर आप मैमल्स का जिक्र कर रहे हैं प्रांजु ने भी सही बोला बिल्कुल ठीक जी सो ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स की जब मैंने बात कह दी तो इसका मतलब है कुछ लक्षण आपने देखे तो आपने कह दिया कि वो मैमल्स हैं मतलब बॉडी हेयर प्रेजेंट है शरीर पे बाल हैं मैमल्स के केस में स्वेट ग्लैंड होती हैं मैमल्स वीवी पैरस होते हैं दे गिव बर्थ टू यंग वंस एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि मैमल्स में मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड होते हैं सो so हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया ये मैमल्स हैं ये एम्फीबियंस हैं ये रेप्टाइल्स हैं ये बर्ड्स हैं ये फिशेज हैं एग्जाम्पल एनसीआर टी कहती है वो इजिली रेकोगनाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स कैट्स इंसेक्ट्स हम ऐसे भी तो कहते हैं ना ये डॉग्स हैं ये कैट्स हैं ये एनिमल्स हैं ये प्लांट्स हैं ये इंसेक्ट्स हैं इंसेक्ट्स की स्टडी को बोल देते हैं स्पेशली एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडाफाइलम को बिलोंग करते हैं नाउ मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स जब आपने कहा डॉग कैट है ना जर्नलाइज करा दैट मीनस वी आर एसोसिएटिंग सर्टन करेक्टर्स विद द ऑर्गेनिजम इन दैट ग्रुप मैमेलिया में अगर आपने किसी एनिमल को कहा ये मैमल है तो कुछ करेक्टर तो आपके दिमाग में आए होंगे ना वट इमेज डू यू सी वैन यू थिंक ऑफ अ डॉग जब आप सिंपली सोचते हैं डॉग के बारे में तो हमारे दिमाग में क्या आता है क्या हमारे दिमाग में एक लगभग चालीस फुट बड़ा जानवर आता है नहीं ना आपको पता है डॉग है तो कैसा होगा टेट्रापोड होगा चार पैरों वाला जानवर है शरीर पे बाल भी होंगे दो कान होंगे फीमेल डॉग है तो मेमोरी ग्लैंड होगी सो ऑब्वियसली सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स जब मैंने आपको डॉग इमेजिन करने को कहा तो आप डॉग इमेजिन करेंगे कैट तो नहीं करेंगे नाउ इफ वी थिंक ऑफ एल्शियन एल्शियन एक प्रजाति है वी नो दैट वी आर टॉकिंग वट वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स जैसा मैंने सेगजाम्पल लिया वट थिंक

आप मैंगो ट्री के बारे में तो नहीं सोचेंगे ना ही राइस प्लांट के बारे में सोचेंगे सो so इसका मतलब है जब डॉग कैट मैमल वीट राइस प्लांट एनिमल ये ये सब हमने कहा है, ये क्या है? क्या कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स ये कैटेगरी है वीट इज कैटेगरी राइट ऐसे ही मैमेलिया इज अ कैटेगरी कैट्स इज कैटेगरी उसके अंदर कितनी सारी स्पीशीज आ जाएंगी कैट्स की है ना क्लियर हुई ये बात नाउ सुनो द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि टैक्सा का मतलब क्या है गौर फरमाइएगा टैक्सा इज साइंटिफिक टर्म एक साइंटिफिक टर्म है किसके लिए फॉर कैटेगरीज जैसे

डिफरेंट लेवल यह बात इंपॉर्टेंट है हेयर यू मस्ट रेकोगनाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स जैसे मैंने कह दिया प्लांट टैक्सा फिर मैंने कहा वीट टैक्सा तो अब आप कहेंगे वीट भी तो एक तरह का प्लांट है ना मैंने कह दिया एनिमल्स टैक्सा है फिर मैंने कह दिया मैमल्स मैमल्स आर अ टाइप ऑफ एनिमल्स ओनली तो वो भी टेक्सा है सो टेक्सा इज अ साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल्स जैसे कि एनसीआरटी कह रही है प्लांट वर्ड जो है इट फॉर्म्स अ टेक्सा वीट इज ऑल्सो अ टेक्सा सिमिलरली एनिमल्स मैमल्स डॉग्स दे ऑल आर टेक्सा बट यू नो That a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals, dogs they are representing what? They are representing taxa at different levels. क्या ये एनसीआरटी की बात आपको समझ आई अंकित उपाध्याय सृष्टि अभी बताऊंगा बेटा टेक्सा की जो आप सवाल पूछ रहे हो उसका भी हां जी अभय त्रिपाठी प्रियांशु क्लियर हो गया जी वेद प्रकाश कैसे हैं जी आप वेद प्रकाश बढ़िया ग्रेट प्रांजू इज इट क्लियर जो बात मैंने अभी बोली है टेक्सा साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल प्लांट इज अ कैटेगरी इट इज अ टेक्सा वीट इज अ प्लांट दैट टर्म इज ऑल्सो टेक्सा एनिमेलिया टेक्सा मैमिलिया टेक्सा डॉग्स टेक्सा राइट एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू परफेक्ट वंडरफुल ये हुई ना बात प्यार से पढ़ना है आराम आराम से पढ़ना है लेकिन समझना है यह पूरे का पूरा जो मैंने पैराग्राफ आपके सामने लिया है यह एन से ही लिया है मैंने इसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं डाली है तो डरना नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा बता दिए कहीं सर ने यह एज इट इज एनसीईआरटी टी से उदित तो बेटा ठीक है चलो आगे बढ़े सुनो बेस्ड ऑन कैटेगराइज कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षणों के आधार पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासीफाइड इन टू डिफरेंट टैक्सा करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर आप क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग टैक्सा में मैं कह दू मेमेलिया एक टेक्सा है इसमें डालो कौन कौन से ऑर्गेनिजम आए डॉग्स एक टैक्सा है इसमें कौन कौन सी डॉग की स्पीशीज आएंगी सो so, इस प्रक्रिया को दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी सो ध्यान रखना है टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन करने की एक प्रक्रिया है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखने होंगे सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोसेस इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ये सभी चाहिए आपको बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए तो एक क्वेश्चन नीट में फ्रेम हो सकता है देखो एनसीआरटी से है ये भी बात वट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज का आधार क्या है जब आपको टेक्सोनॉमी स्टडी करनी है एनिमल्स को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टेक्सा में डालने तो क्या क्या पढ़ना होगा क्या क्या मद्देनजर रखना होगा सुनो नंबर वन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ठीक है जी बाहर से उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है नंबर टू इंटरनल स्ट्रक्चर ठीक है जी ये भी पढ़ लेंगे इसमें उससे भी डीपली चले गए सेलुलर स्ट्रक्चर उस एनिमल का उस ऑर्गेनिज्म का सेलुलर स्ट्रक्चर उससे भी ज्यादा उसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस भी चाहिए एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़नी होगी उसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस एम्ब्रियोलॉजी क्या कैसे डेवलप हो रहा है उससे रिलेटेड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कहां पाया जाता है तो मैंने क्वेश्चन क्या बनाया यहां से नीट एग्जामिनर ये क्वेश्चन बना सकता है बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज पहला ऑप्शन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर सेकेंड सेलुलर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस थर्ड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फोर्थ ऑल ऑफ दीज सो आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज समझिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो जाते हैं एनसीआरटी में से राइट right, मेरे बेटा पुष्कर प्रियांशु क्लियर हो गया बच्चे सत्येंद्र यादव हैदर वंडरफुल चलो नेक्स्ट कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नॉमेन क्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनोमी एक क्वेश्चन और फ्रेम करते नीट के लिए क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वट प्रोसेस आर बेसिक टू टेक्सोनोमी वॉट प्रोसेसेस आर क्वेश्चन बना रहा हूं मैं बेसिक टू टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी एक ब्रॉड फील्ड है इसमें करेक्टराइजेशन इंक्लूडेड है एनिमल्स के करेक्टर्स ऑर्गेनिजम्स के करेक्टर्स पता होने चाहिए आइडेंटिफिकेशन भी इसी के अंतर्गत आएगा क्लासिफिकेशन एंड नॉमिन क्लेचर इसके अंतर्गत आएगा बायनोमियल नॉमिन क्लेचर हमने पढ़ा था चौथा ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दीज सो योर विल बी ऑल ऑफ दीज समझे किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं what processes आर फॉर्मिंग बेसिक टू द taxonomy दे आर द basis फॉर taxonomy कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन nomenclature so सो टेक्सोनॉमी एक ब्रॉड टर्म है हा सिंपन आपने बिल्कुल सही कहा गरिमा राइट राइट ठीक है मैं कोई सीक्वेंस नहीं बता रहा इसका ठीक है जी चलो आगे बढ़े अगर हम बहुत पुराने समय की बात करें फूड क्लोथिंग शेल्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जिंदा रहने के लिए फीडिंग और ब्रीडिंग आवश्यक है अगर हम इंसानों की बात करें जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए और रहने के लिए फेवरेबल शेल्टर चाहिए सो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द ऑफ़ वेरियस ऑर्गेनिजम एक क्वेश्चन ये फ्रेम हो गया पुराने समय में अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन वॉट वर बेस्ड ऑन यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म कोई ऑर्गेनिज्म किस काम आ रहा है फूड के काम आ रहे हैं या कोई जानवर ऐसा है जिसे मार के उसकी खाल से हम कपड़ा बना रहे हैं कोई ऐसे प्लांट स्पीशीज हैं जो मेडिसिनल हैं जिनसे दवाइयां मिल रही हैं हमें इलाज कर रहे हैं किसी रोग का या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिससे हम पेट भर रहे हैं अपना या जानवरों को चारा खिलाने के लिए है, है ना सो so, उनके यूज के आधार पर क्लासीफाई कर दिया जाता था सिस्टमैटिक्स कह देते कि सिस्टमैटिकली आपने अरेंज कर दिया द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन सिस्टमैटिक अरेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स सो द ब्रांच ऑफ स्टडी जिसमें आप सिस्टमैटिकली अरेज करके रखते हैं चीजों को उसे कहते हैं, सिस्टमा नेचुरे टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, चलिए जी एक क्वेश्चन और फ्रेम हो गया नीट के लिए सिस्टमा नेचुर किसने यूज किया था अपनी पब्लिकेशन का टाइटल कैरल लीनियस प्रियांशु जी याद हो गया हाँ हिमांशु लिख के भेजें घोड़े की नाल <laughs> ओके शोएब क्लियर है अपूरा बेटा जूलियन ओके गुड बड़े होशियार बच्चे हैं बहुत सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं देखो एनसीआर में ना लैंग्वेज कोडेड है सेंटेंसेस सिंपल तरीके से दिए आप भी पढ़ सकते हैं इतनी अंग्रेजी तो सबको आती है लेकिन स्वयं पढ़ के उन चीजों को समझ पाना मुश्किल हो जाता है जब हम कोई भी बात किसी दूसरे शख्स से सुनते हैं एक अकलमंद शख्स से सुनते हैं एक्सप्लेनेशन सुनते हैं तो हमें चीजें बेहतर तरीके से याद होती हैं विजुअलाइज होती हैं यही फायदा होता है टीचर का अदरवाइज बंद किताबें भी तो आपके सामने पड़ी हैं किताब बोल तो नहीं सकती फर्क है ना इस चीज में द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर एंड लास्ट टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन नॉम एंड क्लेचर क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक्स में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स का यह बात इंपॉर्टेंट है सिस्टमैटिक्स टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमंस अब देखो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में क्या हुआ ह्यूमंस एप्स दे हैड अ कॉमन एंसेस्टर याद है ड्रायोप ह्यूमन इवोल्यूशन जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता होगा सो so, सिस्टमैटिक्स जब हम पढ़ते हैं हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देते हैं एप्स में क्या है गोरेला चिंपैंजी और गिबन इज द मोस्ट पावरफुल एप चिंपैंजी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एप गिबन इज द ओनली एप विच इज फाउंड इन इंडिया गिबन इज द स्मॉलेस्ट एप नाउ अब हम आ जाते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे बहुत से बच्चों को ये ऑलरेडी पता है बहुत बड़ी चीज नहीं है कोई आपने जूनियर क्लासेस में नाइन्थ में भी पढ़ा है किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज सबको पता है है ना क्या क्या होता है किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज अब कोई किंगडम बहुत बड़ा है तो उसका सब किंगडम हो जाएगा कोई फाइलम बहुत बड़ा है तो सब फाइलम या सुपर फाइलम हो सकता है कोई क्लास है तो सुपर क्लास सब क्लास हो सकती है तो ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है एक तो इस सीक्वेंस पूरा ध्यान होना चाहिए आलोक सही कह रहे प्राइमेट है सभी राइट जी वेद प्रकाश जी थैंक यू सो मच चलो राजा बेटा पढ़ते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के, के बारे में एनसीआर ने क्या कहा है और हमें याद क्या क्या रखना है क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इसमें अलग अलग हायरार्किकल पैटर्न में स्टेप्स हैं इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और अ कैटेगरी ईच स्टेप इज रिप्रेजेंटिंग एक टर्म आ रही है यहां पे ध्यान देना है इस पर रैंक या कैटेगरी जब आप कैटेगरी की बात करते हैं रैंक की बात करते हैं तो वो क्या है ये उस हायर क्लासिफिकेशन का एक एक स्टेप है सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेन्जमेंट सो इट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जैसे फाइलम इज अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास इज अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑर्डर इज अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑल द कैटेगरी दे आर कलेक्टिवली फॉर्मिंग टेक्सोनॉमिक हायर आर्की ये जो किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीन स्पीश में कह रहा हूं ये टेक्सोनॉमिक हायर आर्की है Each category is referred to as a unit of classification. It is representing a rank, and we also call it as taxon. Simple, right? Sequence yaad rahega ji anubhav is it clear? adarsh sequence याद रखना है. क्या sequence है? सबसे पहले हो गया जैसे kingdom animalia. Kingdom animalia मालूम हमने पढ़ लिया animals के लिए. कौन कौन से किंगडम आपने पढ़े हैं किंगडम एनिमेलिया किंगडम प्लांटे किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोचेस्टा फंजय फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर वाला याद है ना सो किंगडम एनिमेलिया में अगर मैं फाइलम की बात करूं सपोज मैंने ले लिया फाइलम कॉर डाटा कॉडेट फाइलम हो गया कॉर डाटा मैं मान लो किसी एनिमल को क्लासिफाई करने जा रहा हूं तो एनिमल का किंगडम हो गया किंगडम एनिमेलिया उस किंगडम में उसका फाइलम क्या है जैसे भारत देश हो गया भारत देश की स्टेट्स हैं अलग अलग हर स्टेट डिवाइडेड है फिर फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट में तहसील है उसके बाद मान लो जी उसमें कोई विलेज है विलेज में कॉलोनीज हैं कॉलोनी में किसी का घर है घर में भी फ्लोर्स हो सकते हैं सो किसी एनिमल की स्पेसिफिक पोजीशन अगर आपको बतानी है सो हम ये टेक्सोनोमिकल हायर यूज करते हैं फाइलम हो गया कोडाटा मान लो क्लास कौडाटा फाइलम में क्लास ले लिया मैंने मैं मेमेलिया मेमेलिया मैं क्लास में मान लो मैंने ऑर्डर ले लिया ह्यूमंस के लिए अगर मैं ऑर्डर की बात करूं ऑर्डर हो गया प्राइमेटा है ना ऐसे ही ऑर्डर के बाद सब ऑर्डर हो सकते हैं ऑर्डर के ऊपर सुपर ऑर्डर भी हो सकता है फैमिली है सुपर फैमिली सब फैमिली क्लियर है जी राइट ना टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हाइर कैन बी इलेट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेती है एनसीआरटी ने किसका एग्जाम्पल लिया कीड़े मकौड़ों का इंसेक्ट्स

इंसेक्टा में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनमें थ्री पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड हेक्सा मतलब हेक्सापोडा इसीलिए तो कहा है क्योंकि थ्री पेयर ऑफ कैसी लेग्स ज्वाइंटेड लेग्स जुड़े हुए तभी तो हमने आर्थरो का है ना। joints, है। right? इसके अलावा इंसेक्ट्स का एक और इंपॉर्टेंट फीचर है इंसेक्ट्स फ्लाई हालांकि कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो फ्लाई नहीं करते इंसेक्टा डिवाइडेड है ए टेरिगोटा एंड में। सिल्वर ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी क्लासिफाइड वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी इसलिए हमने इंसेक्टा को एक रैंक दे दिया एक कैटेगरी दे दिया क्लियर है इतनी बात हाँ जी अनुभव तोमर कह रहे हैं सर मेरा नाम ले लो अनुभव तोमर तुमने अलग अलग, अलग ट्रिक्स लगाई कि तुम्हारा नाम लिया जाए पहले तुम लिख के भेज रहे थे योर वॉइस इज नॉट क्लियर वॉइस आप इतने स्मार्ट नहीं हैं ठीक है फिर भी आपका दिल खुश कर दिया मैंने आपका नाम लेकर के बट ये बेहुदा हरकतें मत कीजिए है, है ना यहां पे नाम ले देने से आपकी कोई विशेषता नहीं बन जाएगी उसमें आपका नाम आप स्वयं रोशन कर सकते हैं बेहतर तरीके से इंसेक्ट्स यूज शुगर बिल्कुल सही बात कही आपने हैदर राइट चलो आगे बढ़ते रिमेंबर दैट ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी कैटेगरी फर्दर डिनोट्स अ रैंक ईच रैंक और टेक्सोन रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ये जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं कैटेगरीज हैं ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटाइटीज है सिर्फ एम्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है ठीक है जी अब देखो यहां पे आपको टेक्सोनोमिकल्स दिखाए गए ना पहले डोमेन है किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज और डियर किंग पैरामीशियम कैरीज ओनली फॉर ग्रीन केयर्स फॉर ओनली ग्रीन, ग्रीन स्पायरोना वो याद रखने का एक तरीका भी बताया गया निमोनिक यहां पे <coughs> नौ एक चीज और ध्यान रखिएगा जैसे हम एनिमल्स के लिए फाइलम वर्ड यूज करते हैं अलग अलग फाइलम पड़े हैं ना एनिमल किंगडम में फाइलम पोरीफेरा फाइलम निडेरिया फाइलम टीनोफोरा फाइलम प्लेटी हेलमिंथर्स फाइलम एश्मिंथर्स एन एलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डाटा, पूरी एनिमल किंगडम में ये सारे फाइलम बताऊंगा प्लांट्स के केस में हम फाइन फाइलम वर्ड यूज नहीं करते हैं प्लांट्स केस में डिविजन होता है सो दिस डिविजन टर्म इज फॉर प्लांट्स ध्यान रहेगी ये बात

एनिमल्स के केस में फाइलम बना दिए प्लांट्स के केस में डिवीजन बना दी फाइलम के अंडर हमने क्लासेस बना दी मान लो मैं ले रहा हूं किंगडम एनिमेलिया किंगडम एनिमेलिया में मैंने एक फाइलम लिया फाइलम है पॉरीफेरा पॉरीफेरा में वो एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी में पोर्स होते हैं यानी कॉमनली हम उन्हें स्पॉन्जेस कहते हैं पॉरीफेरा फाइलम की तीन क्लासेस हैं फाइलम को फर्दर क्लासीफाई किया उस फाइलम में इतने तरह के ऑर्गेनिजम्स थे मैंने उनको ग्रुप कर दिया मैंने देखा कि कुछ स्पॉन्जेस ऐसी हैं जिनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना है उनके स्पिक्यूल्स जो हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं तो हमने उन्हें क्लास कैलकेरिया में डाल दिया आपके सिलेबस में नहीं है ये क्लासेस आपको नहीं पढ़नी है आपको समझा रहा हूं पॉरीफेरा फाइलम की तीन क्लासेस क्लास कैलकेरिया दूसरा है क्लास class... है इनमें वो आ गई जिनका स्पिक्यूल्स सिलिका के बने हुए हैं एंड स्पिक्यूल्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स उनके स्केलेटल एलिमेंट्स हैं स्पॉन्जेस में तीसरा क्लास हो गया स्पॉन्जेस में डेमू स्पॉन्जिया ठीक है जी सो किंगडम फाइलम क्लास क्लासेस के बाद ऑर्डर है कल्केरिया क्लास में ऑर्डर्स होमोसीला हेट्रोसीला आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना है सो so वही बता रहा हूं आपको क्लास के बाद ऑर्डर ऑर्डर के बाद फैमिली फैमिली के बाद जीनस जीनस के बाद स्पीशीज राइट right जी चलिए आगे बढ़े प्यारे-प्यारे लाइक्स आते रहने चाहिए आपके सब क्लास एंड सुपर क्लास अंकित उपाध्याय देखो जैसे सुपर क्लास पाइसेस पाइसेस जो है ना मछलियां सुपर क्लास है मैं बता रहा हूं आपको सुपर क्लास पाइसेस कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं और एक होती है सुपर क्लास टेट्रापोडा चार पैरों वाले जानवर जो हैं सुपर क्लास स्पाइसिस में आती हैं फिर दो क्लासेस क्लास कॉन्ड्रिज फिशेस क्लास ऑस्ट्रिच था जिसमें बोनी फिशेस हैं एनिमल किंगडम में यहां पे पढ़ेंगे तो सुपर क्लास हो गया पाइसिस मछलियां सुपर क्लास के अंडर आ गई क्लास कॉन्ड्रिच था इस, क्लास ऑस्ट्रिच था इस। इसी तरह से फिर इनके आगे ऑर्डर्स होंगे चलिए नेक्स्ट स्पीशीज स्पीशीज वर्ड यहां कहां पे यूज करना है टेक्सोनॉमिकल स्टडीज दे कॉन्सिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज ऐसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हो उसे स्पीशीज कहा जाता है ठीक है मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज सेम स्पीशीज दे इंटरब्रीड उनमें आपस में रिप्रोडक्शन पॉसिबल है यह सबसे बड़ी बात है ध्यान रखना

is the nakiga members of same species members of same species are capable of interbreeding and producing fertile offsprings ठीक है, सेम स्पीशीज के मेंबर्स में आपस में रिप्रोडक्शन पॉसिबल है ठीक है इज इट क्लियर जॉन रे गेव द टर्म स्पीशीज, सही बात है जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने जॉन रे मैं आपको कह रहा हूं जिनको डिटेल में चाहिए मेरे लेक्चर्स आप YouTube पे सिंपली डालिएगा डॉक्टर सचिन कपूर लिविंग वर्ल्ड आपको सारे डिटेल्ड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे ना लेट्स कंसिडर मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम so ने चैप्टर में दिए हैं वो आपको पता होने चाहिए मैंगो मैंफेरा इंडिका मैंजीफेरा इज द जीनस इंडिका इज द स्पीशियस सोलानम ट्यूबरोसम सोलानम इज द जीनस एंड ट्यूबरोज द स्पीशियलू का नाम है पटेटो का पेंथेरा लियो लायन अभी टाइगर का भी बताएंगे पेंथेरा टाइग्रस ऑल थ्री नेम्स अब इसमें जो इंडिका टर्म आया है इसमें जो ट्यूबरोपेसिफिक एपिथेट स्पीशी जिसे हम कह देते हैं द फर्स्ट वर्ड पहले जो वर्ड हैम पैंथेरा वो क्या है जेनेरा है बायनोमियल नॉमिनचर में वही तो होता है जीनस का नाम और स्पीशीज का नाम यह बात क्लियर है जी अब है चल पैंथरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रेस पैंथेरा जीनस में टाइग्रेस भी आता है ठीक है जी ऐसे ही सोलानम जीनस में दे स्पीशीज लाइक नाइग्रम एंड मेलॉन्जेना ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस ह्यूमंस का जोअलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस राइट सो ये ह्यूमंस का दे दिया ध्यान रखना आपको पैंथेरा टाइगर्स पैंथरा लियो सोलेनम टिबरोसम सोलेनम नाइग्रम सोलेनम मेलोंजेना क्लियर है जी राइट व्हाट इज जीनस स्पीशीज हम समझे जीनस कंपराइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जीनस कंपराइजेस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज व्हिच हैज मोर करैक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा जैसे ये जीनस है तो जीनस के अंतर्गत बहुत सारी स्पीशीज आ जाएंगी ठीक है एक जीनस में बहुत सारे स्पीशीज जैसे पेंथेरा पेंथेरा इज अ जीनस पेंथेरा टाइग्रिस पेंथेरा लियो याद रहेगा लायन और टाइगर पैंथर पैंथेरा जो है दैट्स अ जीनस न सेनर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज दे आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज तो ये स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है बहुत सारे फीचर्स सेम नजर आएंगे पैंथरा टाइग्रिस को देखें पैंथरा लियो को देखें सो आपको बहुत सारे फीचर्स कॉमन नजर आएंगे उसमें जिन बच्चों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया ना भैया एक बार जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और मैं आपको एक बात और बता दूं वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देख लिया करो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे अलग अलग सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं ठीक है ना सुनिए पोटैटो एंड ब्रिंजल मतलब आलू और बैंगन पटेटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलन दोनों ही नम के अंतर्गत आते लायन मैंने बताया पैंथरा लियो लेपथरा पार्डस टाइगर पैंथरा टाइगर्स। अभी हमने पीछे जिक्र किया था ना पैंथरा लियो पैंथरा टाइगर टाइगर एंड पैंथरा पार्डस तीन अलग अलग स्पीशीज आ गई हैं क्या आप देख के पहचान सकते हैं लायन को टाइगर को लेपर्ड को देख के पहचान सकते हैं आप नाउ दे आर हैविंग सेवरल कॉमन फीचर्स दे आर ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथरा ये सभी पैंथरा जीनस को बिलोंग करते हैं नाउ दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अदर जीनस जैसे फेलिस है, जिसमें कैट्स आती हैं। फेलिस जीनस इंक्लूड्स कैट्स कैनिस डॉग्स ठीक है जी तो ये अलग अलग जीनस हो गए राइट right?

फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़ प्लांट स्पीशीज़ के रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव फीचर्स के आधार पे बांटा जाता है फॉर एग्जाम्पल तीन अलग अलग जेनेरा सोलानम पिटूनिया धतुरा दे आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलानेसी ध्यान रखना है सोलानेसी फैमिली में कौन कौन से जेनेरा बता दिए हैं इसी चैप्टर में दैट इज सोलानम 16 नंबर ट्यूबरोसम अभी हमने पढ़ा पिटूनिया एंड धतूरा क्लियर है जी राइट right? प्रियांशु बेटा क्लियर है हैदर <laughs> जैसे हैदर कह रहे हैं सर वी आर वन फैमिली यस ऑफ कोर्स वी आर वन फैमिली एक परिवार की तरह हैं हम लोग और मेरी तहे दिल से ये इच्छा है कि आप अपने मकसद में कामयाब जरूर हो पर ध्यान रखिएगा आपको स्वयं भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जिंदगी में कुछ पाने के लिए इंसान को त्याग करना पड़ता है और जिससे आप कुछ सीख रहे हैं ना उसके लिए शुक्रगुजार होना पड़ता है चलो अब एक बात और बता दूं आ, जो बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एम की एक बढ़िया सी किताब चाहते हैं दिस इज द बुक विच इज रिटन बाय मी इट हैज माई ट्वेंटी टू ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस और बहुत से बच्चों ने पढ़ा है इसे पहले सक्सेसफुल डॉक्टर्स हैं आप भी बन सकते हैं किताब को खरीदना कैसे आप देख लीजिए स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया है, यहां पे सिंपली आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना है एंड यू विल गेट टू नो द एंटायर प्रोसीजर रजनीश ठीक है जी चलो आगे बढ़े नाउ सुनिए जीनस पैंथेरा विच हैज लाइन टाइगर लेपर्ड इज पुट अलॉन्ग विद जीनस फेलिस इन द फैमिली फेलिडे तो एनसीआरटी कहती है फैमिली family... फैली फैमिली फैली डे में एक जीनस आया पेंथेरा और एक जीनस ले लिया हमने फैलर्स ठीक है पैंथेरा जीनस में फिर फर्दर हमने स्पीशीज देखे अलग अलग थे लायन टाइगर लेपर्ड इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ अ कैट एंड अ डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज

जैसे ऑर्डर प्राइमेटा कहा था मैंने प्राइमेटा ऑर्डर हो गया ऑर्डर के सब ऑर्डर भी होते अगर मैं क्लास मेमेलिया की बात करूं क्लास मेमेलिया में एक ऑर्डर मैंने आपको बताया था ऑर्डर प्राइमेटा तो इसमें सब ऑर्डर भी हैं लेम्यूरो एंथ्रोपोइडिया उसके बाद सिबॉइडिया सर्कोपिथिकॉडिया होमिनाइडिया फिर फैमिलीजैसे हाइलोबेटी डेई पोंगी डेई ऑर्डर है ना प्राइमेटा इसमें अगर मैं फैमिलीज की बात करूं सो देर इज फैमिली हाइलो बैटी डे नाम नहीं याद रखना बस समझा रहा हूं आपको जिसमें हाइलो बेट्स आएगा गिबन इसमें क्या आ गया गिबन विच इज द स्मॉलेस्ट एप ऑर्डर प्राइमेटा की बात कर रहा हूं इसी ऑर्डर में फैमिली पोंगी डेई ग्रेट एप्स पोंगी में ग्रेट एप्स गोरेला चिमपेन्जी और होमिनी डे जिसमें ह्यूमन्स फैमिली होमिनी डे विच इंक्लूड्स ह्यूम एंड द नियर बाय एंड सिस्टर्स ठीक है जी सो कहने का मतलब है कि ऑर्डर के अंडर फैमिलीज आ सकती है यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज जीनस फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर्स जनली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनोमिकेक्टर बींगीज एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज आ जाएंगी ठीक है राइट सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एंड कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन फैमिली प्लांट फैमिलीज का जिक्र करा यहां पर कॉनवोलोवल सोलानसी

क्लास दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड orders फॉर example ऑर्डर प्राइमेटा जिसमें मंकी गोरिला गिबन है ये मेमेलिया में आते हैं ऑर्डर कार्निवोरा के साथ ये क्लास मेमेलिया में है सो क्लास मेमेलिया में सब क्लासेस भी होती हैं प्रोटोथीरिया एंड थीरिया इंफ्रा क्लासेस भी हैं थीरिया में मेटाथीरिया एंड यूथ हीरिया में प्लेसेंटल मैमल्स आते हैं यूथीरिया में बहुत सारे हैं ऑर्डर प्राइमेट्स प्रोबोसिडिया फोलिडोटा आरटीओडा पेरिसोडेटाइला इंसेक्टीवोरा लेगोमोर्फाईडाटा रूडेंशिया डर देन इसके अलावा सिटेसिया साइरिन चिरोप्टेरा कार्निवोरा कितने सारे ऑर्डर्स हैं मेमेलिया में सो so, यहां पे प्राइमेटा की बात हो रही है ऑर्डर की क्लास मेमेलिया ऑर्डर प्राइमेटा ऑर्डर कार्निवोरा और ऑर्डर बताऊं मैमेलिया के मेमेलिया में, में, में इंसेक्टिवोरा भी आता है मेमेलिया में, में, में सिटेसिया भी आता है मेमेलिया में, में, में साइरिनिया है सी काओ सिटेसिया में वेल इंक्लूडेड है साइरिनिया में सी काओ है सो दे सो मेनी ऑर्डर्स क्लियर है जी चलिए फ़ाइलम क्लासेज कॉम्प्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड अलॉन्ग विद मेमेलिया दे कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज फाइलम जैसे राजा बेटा ये सब कॉ क्या है ये सब फाइलम कॉरडाटा में आ जाएंगे ना प्लांट्स में डिविजन वर्ड यूज करते हैं एनिमल्स में हम फाइलम कह देते हैं सो कॉरडाटा एक फाइलम है उस फाइलम के अंडर क्लासेज आती हैं कौडाटा क्या है कॉरडाटा इज अ फाइलम और इस फाइलम के अंडर क्या है जैसे क्लास एव्स जिसमें बर्ड्स हैं क्लास मेमीलिया जिसमें मैमल्स हैं क्लास रेप्टीलिया जिसमें रेप्टाइल्स हैं क्लियर है जी राइट नाउ कॉडेट्स को जिस जिन एनिमल्स को कॉडाटा फाइलम में रखा है उनके अंदर कुछ कॉमन फीचर्स होने चाहिए आपने पढ़ा है ना ऑल कॉडेट्स दे शो थ्री फंडामेंटल फीचर्स ड्यूरिंग सम और द अदर स्टेज ऑफ देयर लाइफ ये हम डाटा में भी पढ़ते हैं सभी कॉडेट्स अपने जीवन काल में कभी ना कभी नोटो सेंट्रल हॉलो डॉर्सल नर्वस सिस्टम फेरेंजियल गिल्सलिट्स ये सब शो करते हैं कॉडेट्स का ये वाला डायग्राम आपको मिल जाएगा एन में दे हैव नोटो दे हैव नर्व कॉर्ड पोस्ट एनल टेल इफ प्रेजेंट हैव फेरेंजियल गिल्सलिट्स ये कॉडेट्स के टिपिकल फीचर्स हैं प्लांट्स के केस में हम फाइलम की जगह डिवीजन वर्ड यूज करते हैं क्लियर? राइट? काव्यांश कह रहे हैं जी आज मेरा जन्मदिन है जिन भी बच्चों का आज जन्मदिन है उन सबको मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल द एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइल आर क्लासिफाइड टू दाइएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम राइट जैसे एनिमल्स के लिए हो गया किंगडम एनिमेलिया सो एनिमल किंगडम में कितने सारे फाइलम आ जाएंगे एनिमल किंगडम में अगर मैं देखने चलू देर इज फाइलम पॉरीफेरा जिसमें स्पॉन्जेस आते हैं देर इज फाइलम निडेरिया जिसमें हाइड्रा है देर इज फाइलम टीनोफोरा

आप इधर देख लीजिए नीचे से ऊपर अगर हम चले ऊपर से नीचे चले तो किस तरह से है ये पूरा सबसे ऊपर हो गया किंगडम देन फाइलम और डिवीज़न क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज इज इट क्लियर राइट तुषार थैंक यू सो मच ग्रेट 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 वांडरफुल नाउ ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस पार्ट इज मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ये आपको याद कर लेना एन से उठाया मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड जैसे हाउस फ्लाई के लिए इस बार फैमिली पूछी हुई थी ये क्वेश्चन याद है सबको इस बार नीट के एग्जाम में हाउस फ्लाई के लिए फैमिली पूछ ली गई म्यूसीडे Meet 2021. तो भाई ऐसा तो किसी भी के लिए पूछ सकते हैं है ना सो so, आपको ह्यूमंस का बायोलॉजिकल नेम याद रखना है हाउस फ्लाई इज मस्का डोमेस्टिका मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका वीट इज ट्रिटिकम एस्टिवम ये रहे इनके जीनस होमो मस्का मैंजीफेरा एंड ट्रिटिकम ये रही इनकी फैमिलीज याद रखनी है ऑर्डर याद रखने डिप्टेरा राइट right? क्लासेस याद रखनी है डायकॉटिल कौन सा है मोनोकॉटिल कौन सा है डिवीज़न या आर्थ्रोपोडा हैं इज इट क्लियर दिस टेबल वेरी इंपॉर्टेंट सब बच्चे याद करेंगे इसे अंकित सबको याद होगा ये जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया था ना जल्दी से एक बार लाइक का बटन दबाइए कम ऑन क्विकली नाउ लिसन वन थिंग सोनाली जो बच्चे रेगुलर सेशंस मेरे अटेंड करना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप चाहते हैं तो आप बाईजूस के प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं बाईजूस का लर्निंग ऐप आप, आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए बायजूस का वेबसाइट एक्सप्लोर कीजिए आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कोर्सेज़ अवेलेबल हैं और आप मेरे साथ किस तरह से जुड़ सकते हैं ठीक है मेरे राजा बेटा चलिए सो so, आज के लिए इतना ही रखते हैं अगले सेशन में टेक्सोनोमिकल एड्स आपको बताऊंगा हर्बेरियम क्या है म्यूजियम क्या है बोटेनिकल गार्डन जोअलॉजिकल पार्क ये सब चीजें अगले सेशन में पढ़ेंगे तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको ढेर सारी गुड विशेज हैं जो बच्चे ये किताब खरीदना चाहते हैं मैं फिर से बता दूं द बुक विच इज़ फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर योर नीट एग्जाम आपको सिंपली ये वाला जो नंबर दिया हुआ है इस व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा एक व्हाट्सएप मैसेज आप भेजेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप किस तरह से हिमांशु आप मैसेज uh, कर दीजिए एक आपको पता चल जाएगा नाउ जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हैं दिस इज फॉर दैट माई व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए आपको नीट uh, रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का ऐप अपने सेल फोन में इंस्टॉल कीजिए और आप मेरे साथ टेलीग्राम के जरिए भी जुड़ सकते हैं इज इट क्लियर ठीक है जी अब आपसे विदा ले सकते हैं चिन्मय प्रियांशु राकेश आदर्श शाश्वत प्रमोद आयुष सुरभि विष्णु रुद्र पटेल बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें नमस्कार बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर बाय बाय